भाई बिग बॉस के लाइव स्ट्रीम में कई बार काफी इंटरेस्टिंग चीजें सुनने को मिल जाती हैं। जैसे एक बार देवोलीना बता रही थी कि किस तरीके से उन्होंने टैटूज बनवाए, टैटूज में कैसे दर्द होता है। वैसे अब निकी तंबोली अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं रुबीना दिलैक के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, मेरा यूजर नेम है RJ_IG। भाई यहाँ पर गार्डन एरिया में निकी तंबोली और रुबीना दिलैक बैठी हैं और दिखाई दे रहा है कि निकी तंबोली जो है वो अपनी नेवल पियर्सिंग की बात करी है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं ये जो पिन है ये चेंज कर लूँ। तो रुबीना दिलैक पूछती है कि ये तूने क्यों करवाया था, तो निकी बोलती है कि मेरे एक गाने के लिए मुझे करवाना था, मैं हमेशा से करवाना चाहती थी, फिर गाने का मौका भी था तो मैंने करवा लिया और काफी दर्द भी हुआ। तो रुबीना ने कहा कितना दर्द होता है इसमें, तो बोली कि काफी दर्द होता है, जब शुरुआत में मैंने करवाई थी तब तो 8 महीने तक कुछ उन्होंने बोला कि मैं कुछ ऐसा नहीं कर पाई थी। तो जिसके बाद रुबीना दिलैक और सहम सी जाती है कि यार तो फिर क्यों करवाते हो। तो निकी कहती है कि देखो मुझे करवाना ही था, मेरा बचपन से मन था, फिर काम के चक्कर में करवाना भी पड़ा तो मैंने करवा लिया। और इसके अलावा वो बोली कि मैं तो टंग पे भी पियर्सिंग करवाना चाहती हूँ लेकिन इस इंडस्ट्री में हूँ इसलिए नहीं करवा सकती। इस तरीके से बातचीत करती नजर आ रही है निकी तंबोली और रुबीना दिलैक। भाई निकी तंबोली ने अपना पियर्सिंग का दर्द तो साझा कर दिया लेकिन जिस तरीके से आजकल वो बदतमीजी कर रही हैं, लोगों से बर्ताव कर रही हैं, दूसरों को बड़ा दर्द दे रही हैं भाई। तो देखते हैं कि कब तक निकी तंबोली इसी तरीके से दर्द देती रहेंगी और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहेंगी। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।